मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लेता हूँ और उसमें मैं कह देता हूँ कि जी ES6 एरे, ठीक है। अच्छा, हर फोल्डर के साथ मैं ES6 इस वजह से लिख रहा हूँ ताकि आपको कोई शक ना रहे, कभी कोई आपसे कोई पूछ ले कि यार ES6 आपको आती है, तो आपको कोई शक ना रहे कि पता नहीं आती कि नहीं आती। तो ये सारा ES6 पढ़ रहे हैं, नया वाला पढ़ रहे हैं। अच्छा, जहाँ पे कोई पुरानी वाली कोई चीज़ है तो वो भी मैं साथ साथ मेंशन करता जा रहा हूँ। जैसे बूलियन, जैसे अभी हमने पढ़ा ना, तो बूलियन में वो जो ES5 ES6 में कोई फ़र्क नहीं है, एक ही बात है, ठीक है। लेकिन मैंने स्टिल इसमें जो है ना ES6 लिखा है, ठीक है। अच्छा, एरे में भी क्या है जी कि वो ES5 और ES6 जो है वो कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, लेकिन लिखने का यहाँ पे रीज़न ये है कि आपको श्योरिटी दिलाने का मकसद है। मैंने कहा कि जी ES6 एरे, और यहाँ पे मैंने H1 करके एक हेडिंग लगा दी, एरे डेटा टाइप, और यहाँ पे मैंने ये स्क्रिप्ट का टैग लगा दिया। अच्छा, पहले क्या होता था कि हम ऐसे वेरिएबल बनाते थे और मैं कहता था कि यार माई नम इक्वल्स 5, ठीक है। तो ये एक वेरिएबल बन गया माई नम, इसमें एक वक्त में सिर्फ एक वैल्यू स्टोर हो सकती है, एक से ज़्यादा वैल्यू इसमें स्टोर करवाना पॉसिबल नहीं है। अच्छा, लेकिन सम टाइम हमें ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि हम क्या करते हैं, हमें एक से ज़्यादा नंबर स्टोर करवाने होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम दो वेरिएबल बना लेते हैं। मैंने कहा भाई माई नम 1 और माई नम 2, मैंने कहा इसमें चलो एक दूसरी वैल्यू स्टोर करवा दो, या तीन वेरिएबल बनाने पड़ सकते हैं मुझे, तो मैं कहता हूँ माई नम 3, सही है। मैंने कहा भाई 12 इसमें रख दो आप। तो ये मैंने तीन नंबर वेरिएबल्स बना लिए और मैंने क्या कर लिया, तीन उसमें अलग अलग वैल्यूज़ स्टोर करवा दी। अच्छा, इस काम को करने का ना एक शॉर्टकट कह लें उसको, या एक एक समझ लें आप, इस चीज़ को फैसिलिटेट करने के लिए जावा स्क्रिप्ट के अंदर एक एरे डेटा टाइप भी मौजूद है, सही है। अच्छा, वो एरे डेटा टाइप किस तरह होती है कि मैंने कहा लेट और मैंने लिखा माई नम, अच्छा, और मैंने माई नम के साथ एस लगा दिया, और उसके बाद मैंने क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज़ किया और मैंने कहा 5,6,12, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास बन गया एक अदद एरे वेरिएबल बन गया। अच्छा, एरे वेरिएबल के बारे में सबसे पहली तो इसका नाम आप देख लें, एरे टाइप का जो वेरिएबल होता है इसमें कन्वेंशन ये है कि इसके नाम के साथ एस लगाते हैं, क्योंकि ये ज़ाहिर है इसमें मल्टीपल अंदर वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो माई नंबर्स ऐसे कर सकता हूँ मैं ना, माई नंबर्स एस लगाऊंगा मैं इसके आगे। तो ये एस जिस वेरिएबल के साथ लगा होता है, हम उसको देख के हम ये समझ लेते हैं। अच्छा, अगेन ये कन्वेंशन है, तो अगर मैं ये एस ना लगाऊं तो भी मेरा कोड बिल्कुल सही चलेगा, लेकिन कन्वेंशन ये है कि जितने भी एरे टाइप के वेरिएबल होंगे उसमें साथ में एस उसके लगा हुआ होगा, तो क्योंकि अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ हैं। अच्छा, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे हमने क्या सीख लिया, एरे को कंस्ट्रक्ट करना हमने यहाँ पे सीख लिया। एक तो मैंने नाम आपको बता दिया इसका कि जी एस लगा होगा, कन्वेंशन है ये, लेट बिल्कुल उसी तरह है जैसे पहले होता था, इक्वल उसी तरह है बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट ओपन और ये क्लोज जो है, इसमें अभी मैंने लिखी है तीन वैल्यू, ठीक है, लेकिन इसमें मैं 4 भी लिख सकता हूँ और 400 भी लिख सकता हूँ, 4,000 भी लिख सकता हूँ, इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, लिमिट स्टिल है क्योंकि ये वेरिएबल जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया था रैम मेमोरी में स्टोर होता है, ठीक है। तो आप एक्चुअल में वो लिमिट कितनी है, जितनी आपके पास रैम है उतनी बड़े वेरिएबल बना सकते हैं आप, ठीक है। तो मैं ये जो कह रहा हूँ कि इसमें कोई लिमिट नहीं है, मैं जितना भी चाहूँ इसमें मैं रख सकता हूँ वैल्यूज़, तो उसका मतलब है कि वो जितनी सर्टेन टाइम के बाद आपकी रैम ओवरफ्लो होगी तो ये उस लिमिट तो है, लेकिन जावास्क्रिप्ट इटसेल्फ कोई इसको लिमिट नहीं करता कि जी इतनी वैल्यू रखो इतनी नहीं रखो। तो मैं इसमें अभी मैंने 4 वैल्यू लिखी है, मैं 400 भी लिख सकता हूँ, 4,000 4 लाख वैल्यूज़ भी लिख सकता हूँ कॉमा सेपरेटेड। अच्छा, इसको तो लिमिट भी दे सकते हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर दे सकते हैं सर। नहीं, जावास्क्रिप्ट के अंदर लिमिट देने का कोई ऑप्शन नहीं होता, सी लैंग्वेज के अंदर होता है। उसमें हम जब एरे बनाते हैं तो हम बताते हैं अच्छा ये 10 इंडेक्सेस का एरे है, तो उसको हम उस काइंड ऑफ इस तरह करते हैं कि INT और माई नम्स या जो भी, और साथ में मैं ऐसे करके लिखता हूँ ना, यहीं पर 10 लिख देता हूँ, फिर इक्वल्स टू करके मैं उसमें 10 इंडेक्सेस। तो इसमें वैसा वाला कोई सीन नहीं है, सही है। इसके अंदर ये है कि भाई ये सेम उसी तरह का वेरिएबल है और ये एरे है, ठीक है। फिलहाल ये 4 इंडेक्सेस का है, अभी वो हम देखते हैं कि अभी नया इंडेक्सेस पे बनाना होगा तो कैसे होगा, ठीक है। जो इसमें चीज़ होती है वो सी में पॉसिबल नहीं होती, वो सी ज़रा मुख्तलिफ तरह से चलता है।
और अच्छा क्या बता रहा था मैं, हाँ कि इसमें चार वैल्यूज़ हैं, मैं यहाँ पे ज़्यादा भी कर सकता हूँ और इसको मैं चार से कम करके मैं एक भी कर सकता हूँ, ज़ीरो भी कर सकता हूँ, खाली इसमें कोई वैल्यू नहीं है, खाली है इस वक्त ये, ठीक है। तो ये भी इसके अंदर पॉसिबल है, ज़रूरी नहीं कि मैं वैल्यू इसमें डाल ही दूँ, शुरू में खाली भी हो सकता है ये। अच्छा वेल मैं चार वैल्यूज इसमें रख देता हूँ, लेकिन स्टिल तो यहाँ पे ये कंस्ट्रक्ट करना ना हमने एरे को सीख लिया। अच्छा सेम यही वाला काम है, ये तीन वेरिएबल जो बन रहे हैं और ये जो बन रहे हैं सेम एक ही काम है दोनों, कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। अच्छा डिफरेंस इस सेंस में मैं बात कर रहा हूँ कि जितनी मेमोरी में जितनी जगह ये लेगा तीन वेरिएबल, उतना ही अगर मैं तीन नंबर यहाँ लिखूँ ना तो ये भी उतनी जगह लेगा मेमोरी में, ठीक है। अच्छा मेमोरी में जगह लेने वाला चक्कर क्या है वो इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी सेशन करेंगे उसका एक, तो उसमें हम पूरा इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि मेमोरी में किस तरह से और कैसे जगह ले रहा होता है, ठीक है। अच्छा लेकिन एरे बनाने में ना हमें एक बेनिफिट होता है, एरे बनाने में हमें एक बेनिफिट होता है जो हमें इस वाले में नहीं होता, ठीक है। वो बेनिफिट ये होता है कि इस एरे पे हम आइट्रेट कर सकते हैं, सही है, इस एरे पे हम आइट्रेट कर सकते हैं। अच्छा ये आइट्रेशन हम कब पढ़ेंगे, जब हम आएंगे ना यहाँ पे फॉर लूप के ऊपर, लूप स्टेटमेंट के ऊपर जब हम आएंगे तो हमें उस वक्त ये बात पता लगेगी कि एरे हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अभी तो ये सेम है लेकिन जब हम लूप की बात आएगी ना तो लूप के साथ ना एरे बना है लूप के लिए और लूप बना है एरे के लिए, सही है, ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के बगैर किसी काम के नहीं है। तो वेल अभी हम इसको ज़रा हल्का हल्का पढ़ते हैं, जितना बगैर लूप के हम जितना इसको पढ़ सकते हैं, जब लूप आएगा तो इसको ये टॉपिक दोबारा खुलेगा और लूप के साथ ये दोबारा से डिस्कस होगा। अच्छा तो ये मैंने तीन अलग अलग वेरिएबल बनाए, ये मैंने एरे बना दिया, तो एरे जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, एरे का ये बेनिफिट है कि उस पर आइट्रेट किया जा सकता है। तो कभी भी मुझे इस तरह का काम होगा ना तो मैं तीन वेरिएबल इस तरह नहीं बनाऊंगा, मैं हमेशा क्या करूँगा कोशिश करूँगा मैं एरे बना लूँ। अच्छा अब इस एरे को जो है वो क्या करना है, मैंने अगर स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है तो मैं इसको प्रिंट करवा सकता हूँ, जैसे मैं एक नंबर को जैसे मैं एक स्ट्रिंग को प्रिंट करवा सकता हूँ, इसी तरह मैं क्या कर सकता हूँ इसको भी प्रिंट करवा सकता हूँ एरे को। कैसे प्रिंट होगा जी, ये देख लेते हैं आगे किस तरह से प्रिंट होता है। कॉपी पाथ, ठीक है जी, कुछ इस तरह से ये प्रिंट हो गया। यहाँ पे देखें मुझे क्या है, मेंशन कर रहा है कि इसमें तीन आइटम्स हैं और एक दो तीन आइटम इस पर एक्सपेंड करने का भी ऑप्शन आ रहा है, कह रहा है भाई ये है और ये है, तीनों वैल्यू उस तरह सेपरेटली क्या हो गई डिस्प्ले हो गई और एक ख़ास अंदाज में हुई है, ये स्ट्रिंग की तरह नहीं हुई कि ऐसे यूँ फिक्स ऐसे आ गया, नंबर की तरह भी नहीं हुई, इसमें ये स्क्वायर ब्रैकेट्स वगैरह और ये सारा इसका इंडेक्सेस वगैरह सब कुछ मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर, तो ये मैंने इसको प्रिंट करना इस तरह सीख लिया। अच्छा अब जो वेरिएबल था मेरे पास, अगर मैं उन वेरिएबल्स को वापस लाऊं, लेट माई num1 इक्वल्स टू 5 मैंने किया था इस तरह, तो अब मैं तो इसमें इंडिविजुअली तीनों वैल्यूज़ को चेंज कर पा रहा था ना, कि मैं माई नम वन को चेंज करूँगा तो वन चेंज होगा, माई नम टू को चेंज करूँगा तो टू को चेंज होगा, तो यही सेम काम मैं एरे में भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मिसाल के तौर पर मुझे सिर्फ 5 को प्रिंट कराना है तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको बोलूँगा स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे और ज़ीरो। अब ये नोट करेंगे यहाँ पे क्या हुई ये बात, मैंने बोला है कि नंबर्स में जाओ माई नंबर्स में और उसका ज़ीरो इंडेक्स यहाँ पे ला के आप प्रिंट कर दो, ठीक है। अच्छा इसको ज़ीरो इंडेक्स लिखूंगा तो ये 5 प्रिंट होगा, ठीक है, इसी तरह से मैं अगर 1 इंडेक्स लिखूंगा तो ये 6 प्रिंट होगा, और इसी तरह से अगर मैं लिखूंगा 2 इंडेक्स तो ये 12 होगा, ठीक है। तो पहले मैंने इकट्ठा पूरा प्रिंट कर दिया था, अब मैं अलग अलग तीनों को एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है ना मुझे पहले वाले नंबर को उठा के कुछ उसके साथ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो मैंने क्या कर दिया ऐसे कर दिया। अब देखते हैं ये तीनों नंबर अलग अलग अब प्रिंट होंगे, ठीक है, ये तीनों अलग अलग नंबर प्रिंट हुए हैं, ये लाइन नंबर 17 से प्रिंट हुआ है, ये लाइन नंबर 18 से हुआ है, ये लाइन नंबर 19 से प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो मैंने इस वक्त क्या सीख लिया अभी तक, एक एरे को कंस्ट्रक्ट करना और उसकी वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना, ये दो चीज़ें हमने सीख ली, ठीक है, या उसकी वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना या उसको एक्सेस करना, ये दो चीज़ें मैंने इस वक्त सीख ली। यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? सर ये प्रिंट अगर एक ही लाइन में करवाना हो, ये तीन बार प्रिंट करवाया जीरो अच्छा कंसोल डॉट लॉग के अंदर ये होता है कि जी कॉमा सेपरेटेड करके आप प्रिंट करवा सकते हैं, मैंने तीन अलग अलग लिखा है लेकिन इसको मैं कॉमा सेपरेटेड भी कर सकता हूँ, कॉमा सेपरेट करके आप जो चीज़ चाहे प्रिंट करवा सकते हैं, हाँ एक ही कंसोल के अंदर, ठीक है, कॉमा सेपरेट करके मैंने तीनों लिख दिया, तीनों प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये हटा दिया मैंने, मैं अलग अलग इसलिए टू कीप इट सिंपल मैंने अलग अलग किया था, लेकिन कॉमा सेपरेटेड में ये देखें आप इस तरह ये तीनों प्रिंट हो गए लाइन से, सही है। तो कंसोल डॉट लॉग में आप क्या कर सकते हैं कि कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज प्रिंट करवा सकते हैं।
या मैं ये भी कर सकता हूँ कि ज़ीरो और वन को एक में प्रिंट करा दूँ और मैं इसको दूसरे में करा दूँगा, ठीक है। तो क्या होगा कि ये वाला जो है वो एक लाइन में आ जाएगा और ये उसकी अगली लाइन में आ जाएगा, इस तरह प्रिंट से। अगर अलग 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 लाइन पे करवाना हो, कंसोल एक ही हो, प्रिंट अलग अलग लाइन में, ये तो प्रिंट एक लाइन पे है यार, उसके भी तरीके मौजूद हैं कंसोल डॉट लॉग में लाइन चेंज करने के। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक ऐसे लगाऊंगा और बैक स्लैश एन कर दूंगा मैं, सही है। तो इससे मोस्ट प्रॉब्ली शायद लाइन चेंज हो जाएगी, नहीं किया इसने। वेल देखो ये जो कंसोल डॉट लॉग है ना, इसका सीन ऐसा है कि ये डेवलपर कंसोल है ना, तो मतलब इसमें कोई वो वाला फॉर्मेटिंग वाला चक्कर नहीं है जैसे यूआई पे होता है ना कि जी मैंने ये दो नंबर इधर दिखाना है, एक तीसरा मैंने, इसमें वो वाला चक्कर नहीं है। ये तो कंसोल डॉट लॉग होता है डेवलपर्स के लिए कि जी डेवलपर ने देखना है कि किस तरह का होगा, तो ये तो कैसा भी आ जाए डेवलपर तो समझ ही लेगा ना उसको। एक्सपीरियंस तो हमें डेवलप करना होता है एंड यूज़र के लिए, तो ये एंड यूज़र को हमने ये वाला दिखाना है भी नहीं। अच्छा, एंड यूज़र को जब डिस्प्ले दिखाना है तो वो कैसे है, वो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर करके जो हमने इनर एचटीएमएल किया था, तो वो प्रॉपर तरीका है यूज़र को डेटा दिखाने के लिए। तो वो मैं क्या करूँगा, डिव इस तरह से सजा के उसको फ्लैक्स बॉक्स से अपनी जगह पे सेट करके तो उसके अंदर इनर दिखाऊंगा, तो वो अपनी जगह पे खुद ही दिखेगा। वेल इसमें तरीके मौजूद हैं, इसमें जो चीज़ें आप सोच सकते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर ना, जो जो आप सोच सकते हैं वो हो सकता है, ठीक है। ये आप मतलब ये मैं आपसे वो बात कर रहा हूँ कि कभी भी आपके जहन में कोई चीज़ आया ना कि आया कि क्या ये हो सकती है, जो आपके जहन में चीज़ आया कि क्या ये हो सकती है जावास्क्रिप्ट में या नहीं हो सकती, तो वो हो सकती है, सही है। उसका जवाब मैं आपको एडवांस में दे रहा हूँ कि वो हो सकती है। अच्छा, तो आप उसको एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरह होती है, या आपके जहन में कोई बात आ रही है कि यार क्या जावास्क्रिप्ट के अंदर फलां ऐप बनाई जा सकती है या फलां कन्वर्टर बनाया जा सकता है, या जैसे कोई साइंटिफिक मैथ होती है, पता नहीं कोई क्या, उसका कोई ऐप बनाया जा सकता है कि मैं एक इक्वेशन लिखूं और क्लिक करूं और नीचे वो सॉल्व होकर आ जाए, क्या ये हो सकता है, इसका जवाब है हाँ ये हो सकता है। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आपके जहन में आएंगे ना, वो सारे हो सकते हैं, यस है उसका आंसर। वो कैसे होंगे ये आपने सोचना है, ठीक है। तो जो आप सोच सकते हैं, यानी मिसाल के तौर पर जो आप सोच सकते हैं का मतलब ये कि एक इक्वेशन है ना, आप उसको अपने दिमाग से सोच के सॉल्व करते हैं ना, तो जो आप खुद सोच सकते हैं ना, वो इधर भी हो सकता है। अब कोई ऐसी चीज़ है जो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, मिसाल के तौर पर जैसे ये बोतल है, अब इसको मैंने जला दिया, अब जला के ये प्लास्टिक का पेस्ट बन गया एक छोटा सा, उसको वापस बोतल में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसका जवाब है हाँ किया जा सकता है। ये ह्यूमनली पॉसिबल चीज़ है ना, उसको दोबारा दाने में कन्वर्ट करेंगे, दोबारा रिसाइकल होगा, शायद वो कलर थोड़ा डार्क बने नेक्स्ट टाइम, लेकिन बोतल बन जाएगी वापस समहाउ। तो ये ह्यूमनली पॉसिबल एक चीज़ है, ठीक है। एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, उसको आप सॉल्व करते हैं हाथ से, कुछ फार्मूले फार्मूले उस पर लगाते हैं, तो वो ह्यूमनली पॉसिबल एक चीज़ है, तो वो हो जाएगी उसके ऊपर। तो जो जो आप खुद सोच सकते हैं ना, जो जो आप खुद कर सकते हैं, वो आप कंप्यूटर को सिखा सकते हैं, क्योंकि अभी आप क्या सीख रहे हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं, कंप्यूटर को, कंप्यूटर की ऐसी ज़ुबान सीख रहे हैं जिससे आप कंप्यूटर को नई कैपेबिलिटीज़ सिखाते हैं आप कि जी अच्छा इसको इस तरह करो, इसको इस तरह करो, लॉजिक्स आप डिफाइन करते हैं। तो जो आपको आता है ना, वो आप कंप्यूटर को सिखा सकते हैं, और किस लैंग्वेज के ज़रिए, जावास्क्रिप्ट या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ज़रिए। अच्छा जी, तो ये हमने क्या कर लिया, एरे को कंस्ट्रक्ट करना और एरे की वैल्यूज़ को अलग अलग एक्सेस करना, ये हमने सीख लिया। अच्छा, इस पॉइंट पे आप ये भी नोट करें कि जो एरे के इंडेक्सेस है ना, वो ज़ीरो बेस है ना, ज़ीरो से स्टार्ट नहीं है, तो पहला हमेशा ज़ीरो होगा इसमें, कभी भी वन से स्टार्ट नहीं होगा, ये हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होगा। अच्छा, अब इसको हमने क्या करना है अगला, कि एक एक इंडेक्सेस को चेंज करना हम सीख लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने कहा लेट, सॉरी लेट नहीं, वो तो बना हुआ है ना, माई नंबर, मैंने इंडेक्स वन को चेंज करना है। अच्छा, उसको मैं वापस तीनों लाइन में अलग अलग कर देता हूँ टू कीप इट सिंपल। ठीक है, टू कीप इट सिंपल मैंने उसको अगेन तीन लाइनों में कर दिया। अच्छा, मैंने कहा माई नंबर का जो इंडेक्स है ना मेरा भाई ज़ीरो, उसके इक्वल में अब क्या रखवा दिया जाए, पहले वहाँ पे फाइव पड़ा हुआ है ज़ीरो पे, यहाँ पे फाइव पड़ा हुआ है, यहाँ पे प्रिंट होगा तो फाइव प्रिंट होगा। मैंने बोला कि इसकी जगह ना आप रखवा दो 23। और अगेन मैं क्या करता हूँ, इन तीनों को प्रिंट करा देता हूँ, तो बाकी के नंबर वही रहेंगे, लेकिन ज़ीरो को, क्योंकि मैंने ज़ीरो को मॉडिफाई कर दिया, तो ज़ीरो अब मॉडिफाइड फॉर्म में मुझे नज़र आएगा। इन तीनों जगहों पर ये वाली वैल्यू दिखेगी, और इन तीनों वैल्यू के अंदर ना सिर्फ ज़ीरो वाला जो है वो चेंज हुआ होगा, बाकी दोनों सेम होगा। देख लेते हैं इसको करके जल्दी से, ठीक है। फाइव सिक्स ट्वेल्व
उसके बाद 5 की जगह 23612 हो गया। अच्छा जी, तो मैंने क्या कर दिया, इंडेक्स ज़ीरो की वैल्यू को जो है ना अपडेट कर दिया। अच्छा, मैं चाहूँ तो मैं इंडेक्स वन को भी अपडेट कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने कहा यार इंडेक्स वन पे भी 23 रखवा दो, चलो ठीक है दोनों पे 23 रखवा दो। अब जब मैं इसको चेक करूँगा यहाँ पे, तो आप देखें वो ज़ीरो और वन दोनों अपडेट हो चुका है, लेकिन टू स्टिल अपडेट नहीं हुआ होगा क्योंकि मैंने उसको नहीं करवाया। अच्छा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं इस पूरे एरे के अंदर किसी भी इंडेक्स को अपडेट कर सकता हूँ। ठीक है, किसी भी एरे को मैं, किसी भी इंडेक्स को मैं अपडेट कर सकता हूँ। अच्छा, तो इस पॉइंट पे हमने क्या सीख लिया कि मेरा जो बना हुआ एरे है, एरे एक तो बनाना सीख लिया, उसके अलग अलग इंडेक्सेस को एक्सेस करना सीख लिया, और किसी भी इंडेक्स को चेंज करना भी सीख लिया मैंने, किसी भी इंडेक्स को मैंने चेंज करना भी सीख लिया। अच्छा, अब एक जो चीज़ है हमारे पास वो ये है कि अगर कोई इंडेक्स मेरे पास एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, इतने को ना फिलहाल मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ और एक नया नीचे वो बना लेता हूँ, मैं इसी की एक कॉपी एक्चुअली बना लेता हूँ। ठीक है, उसी की मैंने एक कॉपी बना ली है कि जी माई नंबर्स और उसमें वो तीन इंडेक्सेस आ गए। अच्छा, मैंने 0, 1 और 2 को तो प्रिंट करवा दिया, अगर मैं ये करूं कि मैं 3 को प्रिंट करवाऊं यहाँ तो क्या होगा? जी अच्छा, यहाँ पे ना ये अनडिफाइंड प्रिंट करेगा। ठीक है, हम कोई ऐसा अगर इंडेक्स इससे प्रिंट करवाते हैं जो इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो अनडिफाइंड, एक जावास्क्रिप्ट के अंदर एक ये फिक्स वैल्यू है वो अनडिफाइंड आती है। अच्छा, कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जैसे अगर हम सी की अगर हम बात करें तो उसमें ये होता है कि जी वो जो एरे बनाते हैं ना तो वो उसको बताना पड़ता है कि ये मतलब कितने इंडेक्सेस का एरे है ना। जैसे सी में तो हम ये करते हैं ना कि जी हम INT लिखते हैं और हम कहते हैं कि यार जो भी ABC नाम रखा आपने, और ABC के साथ साथ आप ये बताते हैं कि इसकी लेंथ कितनी होगी, 10 होगी इसकी लेंथ, फिर हम साथ में बोल देते हैं कि 0, तो वो कहता है कि भाई सारे 10ों पे 0 रख दो, तो 0 के अलावा कुछ होता नहीं है उस पर, तो आप कोई भी इंडेक्स करो वो ऐसा हो नहीं सकता कि 0। अच्छा, अगर आपने 10 के अलावा कोई 11वां एक्सेस कर लिया तो सीधा एरर थ्रो करता है और प्रोग्राम को वहीं पर ख़त्म कर देता है। या अगर जैसे जावा हो गई, अच्छा जावा और जावास्क्रिप्ट का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है आपस में, भाई किसी को अगर ये लगता है ना जावा और जावास्क्रिप्ट एक है, एक नहीं है भाई, अलग है। जावा जो एक मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और दूसरी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है। जावा स्क्रिप्ट जो है वो एक अलग, जिसका असल नाम तो एक्मा स्क्रिप्ट है, वो उसको प्यार से जावा स्क्रिप्ट कहते हैं। सही, वो हमने डिस्कस कर लिया कि वो क्यों उसका नाम एक्मा स्क्रिप्ट है, तो वो उसमें ज़रा मामला ज़रा डिफरेंट है। सही है, एरे होगा हर प्रोग्रामिंग, जैसे हमने पहले जिक्र किया था कि यार हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे इस वक्त वो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स पढ़ रहे हैं, यानी कि एरे जो है ना वो एक प्रोग्रामिंग फंडामेंटल है। जितनी भी दुनिया की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसमें एरे मौजूद ज़रूर होगा। सही है, अच्छा वो थोड़ा सा बिहेवियर उसका आगे पीछे हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। जैसे मैंने जिक्र किया कि सी लैंग्वेज में क्या होता है कि जी अब जैसे 10 इंडेक्सेस का एरे बनाना है ना, तो शुरू में ही बता सकते हैं कि 10 इंडेक्सेस का ही होगा, ना उससे ज़्यादा होगा ना फिर ना उससे कम होगा, वो फिक्स हो जाता है अपने भी। ठीक है, फिर उसको बताते हुए शुरू में बताना पड़ता है कि इसमें वैल्यूज़ क्या होंगी, तो वो सब पे एक ही वैल्यू रखनी पड़ती है। हाँ, डेटा टाइप भी, तो ये चीज़ें ज़रा मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन एरे होगा सही। बेसिक जो कॉन्सेप्ट है एरे का वो यही है कि अच्छा जी एक ही वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज़ स्टोर की जा सकें, और वो जो है ना फिर इस तरह से हो। अच्छा, फिर तो जब मैं उसको ऐसा कोई इंडेक्स प्रिंट करवाता हूँ जो एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये प्रिंट करेगा अनडिफाइंड। ठीक है, अब अनडिफाइंड क्या चीज़ होती है वो हम इंशाल्लाह इफ़ जब पढ़ेंगे ना तो फिर हम देखेंगे कि अनडिफाइंड क्या चीज़ है। तो ये अनडिफाइंड है। ठीक है, कोई भी ऐसा इंडेक्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 300। ठीक है, तो 300 इंडेक्स भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये भी क्या करेगा, ये अनडिफाइंड इसको दे रहा होगा ये। अच्छा, तो ये हमने बात कर ली, ये हमने क्या बात कर ली, एरे को कंस्ट्रक्ट करना सीख लिया, एरे की अलग अलग वैल्यूज़ को एक्सेस करना सीख लिया, और एरे की वैल्यूज़ को चेंज करना सीख लिया। अच्छा, अब जो हमारा लास्ट इसके अंदर है, जिस पे हम आज के टॉपिक को जहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे, वो ये है कि अब इस एरे के अंदर मुझे नई वैल्यूज़ अगर ऐड करनी है, जैसे 3 है ना, ये 3 के बाद मुझे चौथा ऐड करना है अगर, तो वो इसमें मैं कर सकता हूँ। ठीक है,
कैसे करूँगा मैं वो, मैं लिखूँगा जी माई नंबर्स डॉट पुश, सही है डॉट पुश, और मैं क्या करूँगा एक नंबर्स को मैं या कोई भी जो भी वैल्यू है मुझे चौथे इंडेक्स पे जो वैल्यू रखवानी है वो मैं रखवाऊँगा यहाँ पे। मिसाल के तौर पर मैंने कहा यार यहाँ पे ना आप रखवा दो 78 रखवा दो वैल्यू, तो क्या होगा कि ये वाली कमांड चलते ही, अच्छा इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एरे के मेथड्स, पुश इज़ अ मेथड। तो और इस पुश के अलावा कौन कौन से मेथड्स होते हैं, वो बुक आपके पास एज अ रेफरेंस मैंने आपको दी हुई है, स्मार्टर वे वाली और वो बिगनर टू प्रोफेशनल वाली, ये दोनों बुक दी हुई है, उसमें आप इसको मजीद पढ़ सकते हैं कि और कौन कौन से मेथड्स होते हैं। तो ये हमने देख लिया कि यार इसमें क्या होगा, पुश करने से क्या होगा कि ये तीन इंडेक्स के बाद एक चौथा इंडेक्स बना देगा, ठीक है, यानी कि 0, 1, 2 के बाद एक 3 बना देगा वो, जिसके अंदर ये 78 पुश हो जाएगा जाके। अच्छा अब जब मैं यहाँ पे अगर मैं करता हूँ ना 3 को, तो ये देता था अनडिफाइंड, लेकिन अब अगेन मैं इसी को करूँगा दोबारा, सही है, मैंने 0, 1, 2, 3 और 0, 1, 2, 3 को अगेन प्रिंट किया, तो यहाँ पे अभी अनडिफाइंड नहीं रहा, अभी अब इसके अंदर एक वैल्यू आ चुकी होगी, ठीक है 78 वैल्यू इसके अंदर आ चुकी है, ठीक है। अच्छा मैं जब जब जितनी दफ़ा इसमें पुश पुश कॉल करता जाऊँगा एक एक करके वैल्यू ऐड करता जाएगा, और ये पुश करने से क्या होगा, वैल्यू हमेशा ये कहाँ पर ऐड करेगा, लास्ट में ऐड करेगा, ठीक है। अच्छा मैं अगर इसमें दो दफ़ा पुश कर देता हूँ, मैंने कहा यार 90 करके एक वैल्यू है, तो ये अब कहाँ पे चला जाएगा, ये पांचवा इंडेक्स एक बना लेगा जो कि मैंने प्रिंट नहीं करवाया। अच्छा तो मैं काम करता हूँ, मैं इसको ऐसे करके नहीं करता प्रिंट, मैं इसको कर देता हूँ इस तरह से माई नंबर्स पूरा, मतलब इंडेक्सेस से नहीं पूरा इकट्ठे प्रिंट कराता हूँ, तो आप देखेंगे कि क्या होगा। आप देखेंगे कि यहाँ पे जब ये पूरा का पूरा एरे प्रिंट होगा तो इसमें तीन इंडेक्सेस होंगे, और जब ये दो दफ़ा पुश चलने के बाद जब ये पूरा का पूरा एरे दोबारा प्रिंट होगा तो इसमें पांच इंडेक्सेस होंगे, ठीक है। रिफ्रेश किया मैंने पहले, देखें यहाँ पे तीन इंडेक्सेस हैं, अगले में पांच इंडेक्सेस हैं। अच्छा इसकी भी कोई अगेन लिमिट नहीं है जैसा कि इंडेक्सेस की, तो पांच है, मैं ये 500 दफ़ा भी पुश कॉल करूँ तो वो होता रहेगा पुश कॉल, जितनी दफ़ा मैं चाहूँगा वो होता रहेगा, क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है, लिमिट क्या है आपकी रैम की मेमोरी एक्चुअली। अच्छा तो इस पॉइंट पर हमने क्या कर लिया, एरे के अंदर एरे को कंस्ट्रक्ट करना, उसको एक्सेस करना, उसको मॉडिफाई करना और उसमें नई वैल्यूज़ को ऐड करना, ये हमने सीख लिया। अच्छा पुश के साथ साथ ना एक और मेथड होता है पॉप। पॉप क्या करता है, लास्ट में जैसे ये पुश जो है लास्ट में ऐड करता है, वो लास्ट से एक आइटम उड़ा देता है, ठीक है, लास्ट से वो क्या कर देता है, एक आइटम उड़ा देता है। अच्छा अगेन हम ये क्या कर रहे हैं, हम ये इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि ये एरे में, अच्छा ये फैसिलिटीज़ मौजूद हैं एरे के अंदर, ये फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, तो ज़रूरत पड़ने पर हम इनमें से कौन से इस्तेमाल करेंगे वो हम डिसाइड कर लेंगे। जैसे हम एक बस में दाखिल होते हैं ना, अब उस बस में हम देखते हैं, अच्छा जी वो एक इसमें एंटर होने का, जैसे एंटर्स हुए हैं दरवाज़ा, हम एक पीछे इसमें एमरजेंसी एग्जिट भी है, ठीक है। अच्छा एमरजेंसी एग्जिट हमेशा अपोजिट साइड पर होता है, जिधर से एंट्री होती है ना उसके दूसरी साइड पर होता है, कि अगर बस खुदा न खास्ता ऐसे उलटती है कि जो एंट्री वाला दरवाज़ा है वो नीचे आ जाता है, तो वो उससे तो निकल नहीं सकता बंदा, तो अपोजिट साइड पर होता है एग्जिट, जो इमरजेंसी एग्जिट होता है, तो आप क्या करते हैं कि वो ऊपर से उसको खोल के वहाँ से आप एग्जिट हो सकते हैं बस से, ठीक है। बस में आमतौर पे आपने देखा होगा बस में जो शीशे होते हैं ना, विंडो होती है, वो बहुत बड़े बड़े होते हैं विंडो, तो वो उसको बड़ा रखने का भी रीज़न यही होता है कि अगर खुदा न खास्ता किसी किस्म का एक्सीडेंट होता है बस का, तो उस शीशे को तोड़ के फ़ौरन बंदे को बाहर निकाला जा सके, ठीक है, क्योंकि शीशे को तोड़ना आसान होता है, और अगर वो कार में ऑन अदर हैंड इतना बड़ा शीशा नहीं होता, कार का जो जो मतलब दरवाज़ों के अंदर जो ग्लास का जो साइज़ है वो नस्बतन छोटा होता है, बस के अंदर बड़ा होता है, ठीक है ना। तो ताकि अगर कोई ऐसी इमरजेंसी हो जाए कि दोनों एग्जिट्स बंद हो जाएं, तो एग्जिट के अलावा तो किसी और किसी दूसरी विंडो को तोड़ दिया जाए, वहाँ से एग्जिट करा लिया जाए बंदे को, ठीक है। तो हमें ये चीज़ें पता हैं, ये हमारी नॉलेज में है। अच्छा इसको इस्तेमाल कब करना है, वो जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम कर लेंगे। तो ये टूल्स के साथ हमारा इंट्रोडक्शन हो रहा है कि जी ये टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से मस्जिद में भी जो है वो विंडो बड़ी बड़ी होती है, क्यों होती है, हाँ भाई देखो पता होगा तो यूज़ करेंगे ना कभी। किस किस्म की इमरजेंसी हो सकती है मस्जिद में, अरे नहीं भाई अर्थक्वेक नहीं हो सकता, नहीं जो
बम ब्लास्ट में तो ना खिड़की बचेगी ना बंदा बचेगा, उसमें कौन सा एग्जिट होगा? नहीं हवा का रीज़न नहीं है, हाँ हवा भी चलो उसको खोल देंगे तो हवा आएगी नहीं, लेकिन जहाँ ठंडे इलाकों में क्यों इतनी बड़ी खिड़की है? पर ठंडे इलाकों में भी आप नोट करें मस्जिद की खिड़कियाँ बड़ी होती हैं, नहीं वो अच्छा। और उसकी लोकेशन भी मैं बता देता हूँ कि वो ख़ास किस लोकेशन पे होता है, वो जो सफ़ें बनी हुई होती हैं ना, सफ़ के लेफ़्ट मोस्ट पे और राइट मोस्ट पे वो खिड़कियाँ लगी होती हैं और वो बड़े साइज़ की होती हैं। उसका रीज़न ये होता है कि अगर जमात हो रही है और आपकी खुदा न खास्ता किसी वजह से नमाज़ आपकी टूट गई और आपको वज़ू करने की ज़रूरत पड़ती है दोबारा, ठीक है, क्योंकि वो तो आप वो तो नमाज़ कंटिन्यू नहीं कर सकते आप, तो आप क्या करते हैं, आप सफ़ में या तो लेफ़्ट अगर करीब है तो लेफ़्ट पे चले जाएंगे, अगर राइट करीब है तो राइट पे चले जाएंगे और उस खिड़की से आप एग्ज़िट हो जाएंगे, और उस खिड़की से एग्ज़िट होकर आप वज़ू बना के फिर दोबारा पीछे जहाँ पे आपको जगह मिलेगी वहाँ पे आप आ जाएंगे, ठीक है। क्या होते अच्छा हाँ यही मेरा पॉइंट है असल में, यही मेरा पॉइंट है असल में कि वो हमें पता ही नहीं है ना कि वो बनाते क्यों थे, वो हमें नहीं पता। अच्छा ठेकेदार भी ना आजकल वो बोलता है यार मस्जिदों में तो बड़ी लगती है, बस वो बड़ी लगा देगा, अच्छा फिर साथ में उसमें ग्रिल भी लगा देगा वो पीछे अच्छा और कहीं पे अगर ग्रिल है कहीं पे ग्रिल नहीं है ना, तो वो जब वो खिड़की से बाहर जाओ ना तो दो मंजिलें नीचे होता है वो वैसे तो आप एंटर तो नॉर्मल होते हो, लेकिन खिड़की से जब नीचे जाओ ना वहाँ से नीचे जाएगा तो टांग वांग में कुछ मोच वोच आ जाएगी, इतना उसको जो है ना गहरा बना देते हैं वो, क्योंकि वो जो एक तरफ से यूँ होती है वो आगे ज़्यादा ऊँचाई हो जाती है, तो वो पता ही नहीं है कि वो बनाते क्यों थे, तो भाई इसलिए बनाते थे वो। अच्छा वो मकसद ही फौत कर दिया इन्होंने। अच्छा फिर वो मैंने कहीं पे ये जिक्र किया, उन्होंने कहा यार वो तो आप इतने सारे नमाजियों की नमाज़ तोड़ते हुए जाओगे आप, तो भाई उसके लिए भी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि जब यानी जब जमात की नमाज़ होती है ना तो उसमें क्या होता है कि इमाम की नियत पे आपकी नियत होती है, तो अगर इमाम के सामने से कोई गुजरता है ना उसकी नमाज़ अगर ख़राब होगी उसकी वजह से तो जितने भी पीछे नमाजी हैं उन सबकी नमाज़ ख़त्म हो जाएगी। अच्छा लेकिन अगर सफ़ के दरमियान में से आप गुज़रते हैं तो जमात की नमाज़ में ये आपकी नमाज़ ख़त्म नहीं होती इससे, अगर आपके सामने से कोई जमात की नमाज़ में आप सफ़ के दरमियान से कोई गुज़र जाए चाहे वो कोई बच्चा हो या कोई बंदा हो तो नमाज़ आपकी बाकी रहती है, नमाज़ आपकी ख़त्म। नमाज़ वैसे भी नहीं टूटती अगर से गुज़र जाए, नहीं नमाज़ नहीं टूटेगी। नहीं सिंगल वाली नमाज़ में तो हुक्म ये है कि अगर आपके सामने से कोई गुज़रता है ना तो आप नमाज़ तोड़ के आप उससे वो करेंगे, मतलब कि यार आप क्यों इस तरह नहीं वेल मैंने कहीं मेंबर से ये बात सुनी थी कि अगर आपके नमाज में आप हों सिंगल हों अगर तो आपके सामने से अगर गुजरते हैं तो नमाज ना सिर्फ आपकी ख़त्म हो जाती है बल्कि आपको उससे नमाज तोड़ के हुक्म है कि आप उससे सवाल करेंगे यार आपने इस तरह क्यों किया। वेल आपने मुझे ये बताया, मैं इसको दोबारा चेक करूँगा, आप लोग भी चेक कीजिए, चैट जीपीटी से नहीं तो हमने क्या देखा कि हमारे पास जो टूल्स अवेलेबल होते हैं हमारा उससे इंट्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर हमें उससे इंट्रोडक्शन नहीं होगा ना तो जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें पता नहीं होगा। अभी मिसाल के तौर पे किसी बंदे को ये बात नहीं पता, अब वो जमात की नमाज़ थी कुछ भी ऐसा हुआ इशू कि उसकी नमाज़ टूट गई, ठीक है, यानी जो भी किसी भी बिहेवियर की वजह से उसकी नमाज़ टूट गई अगर, ठीक है, वज़ू उसका ख़त्म हो गया, अब नमाज़ तो ख़त्म हो गई, अब वो क्या करेगा, वो पूरे जमात में यूँ खड़ा रहेगा? बेहतर तो ये होना कि वो फ़ौरन वज़ू करे और पीछे आके जमात ख़त्म होने से पहले पहले वो दोबारा अगर शामिल हो सके, मे बी जैसे फजर की जमात होती है तो वो उसमें अच्छा खासा टाइम होता है आपके पास, तो वो दोबारा वो हो सके तो अब वो पीछे तो नहीं जा सकते ना आगे जा सकते हैं, साइड में ही जाना है आपने और साइड में विंडो का भी अवेलेबल होना ज़रूरी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो अभी किया है इस वक्त है नीचे वाला भी होना भी चाहिए, ये नहीं कि ग्रिल व्रिल लगा के पैक किया हुआ या जैसे कूदें तो टांग ही टूट जाए रस्सियाँ लटका के वो गोरिल्ला वो हो रहा होगा भाई। अच्छा तो हमने आज जो है ना एरे को एक्सप्लोर किया और एरे के जो बेसिक फंक्शंस थे ना उसको हमने डिस्कस किया, दो दफ़ा पुश हमने चला कर देखा, अच्छा और उसके बाद एक पॉप वाला भी चला के देख लेते हैं। अच्छा पॉप अगर मैं कॉल करूँगा ना, पॉप जो है वो
कोई उसको पैरामीटर नहीं चाहिए होता, जैसे इसमें पुश करके ऐसे मैंने दिया है, पॉप जस्ट पॉप होता है। तो मैं अब इसको एक दफ़ा पॉप चलाने के बाद मैं दोबारा इसको अगर प्रिंट करूँगा ना, तो ये क्या होगा, ये पांच इंडेक्स से दोबारा चार इंडेक्स हो जाएगा। यानी लास्ट से एक ऐड होता था पुश से, तो पॉप से क्या करेगा, लास्ट से एक रिमूव भी कर देगा। ये दो दफ़ा पॉप चला देंगे, हाँ दरमियान वाला करना उसके लिए मेथड है, वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन वो बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने एक दो तीन चार दफ़ा पुश चला दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसको हम स्पेसिफिक लोकेशन नहीं दे सकते, अपेंडिक्स लगाए तो मैं वही बता रहा हूँ कि मैं बिल्कुल दे सकता हूँ। सवाल आप दोस्त ने ये किया, आपने और आपने दोनों ने, कि क्या मैं जो लास्ट से इसमें आइटम रिमूव करता हूँ और लास्ट में आइटम ऐड करता हूँ, तो क्या मैं दरमियान में भी आइटम रिमूव और ऐड कर सकता हूँ? इसका जवाब है हाँ, लेकिन वो किस मेथड से होगा वो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा। वो आपको जो मैंने बुक दी है रेफरेंस में, उसमें वो बात लिखी हुई है। ठीक है, उसमें वो बात लिखी हुई है। अच्छा, उसका मेथड का नाम मैं बता देता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड स्प्लाइस। ठीक है, स्प्लाइस है और एक स्लाइस का भी मेथड है। ठीक है, तो ये और भी इसके, यानी मैंने तो दो मेथड पढ़ाए हैं, पुश और पॉप, लेकिन इसके बहुत सारे मेथड यहाँ पे और भी हैं। तो बुक से आप जो है ना वो सारे मेथड को एक्सप्लोर कीजिएगा और हर मेथड के साथ लिख। अच्छा, बुक के अलावा आप कहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं? और आप जाएंगे MDN पे, आप लिखेंगे कि एरे मेथड्स जावास्क्रिप्ट। ठीक है, JS लिख दें या ES लिख दें। ठीक है, तो ये आ गया जी मोज़िला और जावास्क्रिप्ट। अच्छा, ये देखें W3 स्कूल का भी आ गया, जावास्क्रिप्ट एरे मेथड्स। ठीक है, देखें एरे मेथड्स में कौन कौन सा आ रहा है, टू स्ट्रिंग, पॉप, पुश, शिफ्ट, अनशिफ्ट, ज्वाइन, फ्लैट, कॉनकैट, डिलीट, स्प्लाइस, ये सारे मेथड्स आ रहे हैं। अच्छा, तो ये इसमें से जो मोस्ट कॉमन है ना, वो दो चार आप यहाँ से देख लीजिएगा कि क्या होता है। टोटल यहाँ पे मेरे ख्याल है 10 और 10, 20 मेथड्स आ रहे हैं टोटल यहाँ पे। अच्छा, इन सब की इसने एक एक एग्जांपल छोटी छोटी बनाई हुई है, ट्राई इट योरसेल्फ पे जाके आप उसको चेक कर सकते हैं कि क्या सीन है उसका। ठीक है, इसी तरह ये MDN पे भी इन्होंने तमाम के तमाम मेथड्स जो है ना एरे के, ये आप देखें एरे का पूरा टॉपिक है ये। एरे में जो जो कुछ हो सकता है ना पॉसिबल, वो सब इस डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ लिखा हुआ है। एरे की डिस्क्रिप्शन पहले तो, कि एरे है क्या भला, है ना, इसके बारे में कि ये क्या चीज़ है एरे। अच्छा, फिर एरे के इंडेक्सेस जो होते हैं, ठीक है, ये इंडेक्सेस की स्पेलिंग इन्होंने इंडाइसेस लिखी है। ठीक है, बात एक ही है कि वो जो 0 और 1, 2 जो इंडेक्सेस हैं उसकी, ये हो गया यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद अब आप देखते जाएँ कि वो रिलेशनशिप बिटवीन न्यूमेरिकल प्रॉपर्टी। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको बताना भूल गया, वो ये कि मैंने जो अभी एरे बनाया इसके अंदर नंबर है ना, इसके अंदर दरमियान में स्ट्रिंग भी हो सकता है, सही है, इसके अंदर बूलियन भी हो सकता है। इसकी डेटा टाइप की कोई लिमिट नहीं है। आमतौर पर सी लैंग्वेज, सी शार्प में, दूसरे में ये होता है कि जी वो नंबर है तो नंबर ही आता है उसमें, लेकिन इसके अंदर ये इसको हेट्रो पता नहीं करके क्या उसका बड़ा अच्छा नाम यूज़ करते हैं। वेल सिंपल लफ्ज़ों में बात ये है, वो हेट्रो तो पता नहीं क्या वर्ड है, लेकिन सिंपल लफ्ज़ों में मतलब ये है कि इस एरे के अंदर किसी भी डेटा टाइप का वो आ सकता है। अच्छा, इवन एक और एरे भी आ सकता है, इवन एक और एरे भी आ सकता है। ठीक है, ये मैंने एक, अच्छा ये अभी ये एरे वाला जो है ना, ये वाला, ये अभी इसको भी अभी हटा देते हैं, ठीक है, लेकिन आ सकता है, अभी हम इसको बाद में देखेंगे। इसको हम देखेंगे फॉर लूप जब पढ़ेंगे ना, जैसे मैंने बताया कि फॉर लूप में ये दोबारा ये खुलेगा टॉपिक दोबारा एरे का। ये टॉपिक अभी मैंने थोड़ा सा ब्रीफली कवर किया, ये फॉर लूप में ये दोबारा खुलेगा, तो ये हम इंशाल्लाह देख लेंगे थोड़ा सा बाकी जो बचा हुआ है। ठीक है, तो इसमें कोई भी डेटा टाइप आ सकता है, जैसे कि मैंने देखो अभी यहाँ पे ये वाले डेटा टाइप लगा दिए हैं। अब इसमें पुश होगा ना जब, ये तो देखो इसमें 1 2 3 4 5 इंडेक्सेस पहले से हैं, ये दो यहाँ से आ जाएंगे तो 7 हो जाएंगे। अब देखते हैं इसको चला के एक दफ़ा और, ठीक है, उसी तरह प्रिंट हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे मैं दिखा रहा था कि क्या था कि एरे में जो जो कुछ हो सकता है ना पॉसिबली, वो सब यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, ये सारे इसके ना देखें एरे के मेथड ये सारे आ गए। ठीक है, फ्लैट, फॉर ईच, मैप, रिड्यूस, सम, सॉर्ट, स्प्लाइस, सही है, ये सारे मेथड्स आगे लाइन से। तो बस आपने सिंपली क्या करना है, जैसे मिसाल के तौर पे एरे का ज्वाइन है ये, है ना, ज्वाइन है। अब इसमें मैंने ज्वाइन पे क्लिक किया तो ये ज्वाइन के अंदर ले गया। अब ये क्या कह रहा है कि यार द ज्वाइन मेथड ऑफ एरे इंस्टेंस क्रिएट द रिटर्न न्यू स्ट्रिंग बाई कॉन्कैटिनेटिंग ऑल एलिमेंट्स इन द एरे। वो क्या करता है कि जी एरे में 4-5 एलिमेंट है ना, उसको जोड़ के स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। दैट्स इट, पता लग गया हमें कि एरे में अगर, जैसे ये देखें आप यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल भी किया हुआ, इसने यहाँ पे 3 इंडेक्सेस थे, इसने डॉट ज्वाइन कॉल किया ना, तो वो कह रहे हैं कि वो ऐसे एक स्ट्रिंग हो जाएगा तीनों, वो तीनों को ऐसे जोड़ के ना वो एक स्ट्रिंग बना देगा सिंगल।
तो हमें पता लग गया कि ज्वाइन का मेथड क्या करता है। अगर मुझे सम हाउ अगर मुझे एरे के जो इंडेक्सेस हैं सारे के सारे उसको स्क्रीन पे दिखाना है एक सिंगल एरे के तौर पे या एक सिंगल स्ट्रिंग मैसेज के तौर पे, तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पे हमारे पास इंक्लूड्स है। इंक्लूड्स क्या करता है कि एरे के अंदर कोई एक वैल्यू है, वो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ जैसे ये ना 1 2 3 एक वैल्यू है इसमें, अभी कहता हूँ मैं एरे डॉट इंक्लूड्स और 2, तो अगर इसके अंदर ये 2 मौजूद है तो वो ट्रू दे देता है, नहीं मौजूद है तो फॉल्स दे देता है। सही है, सिंपल सी बात है। तो ये एक मेथड हमें दिमाग में आ गया कि अच्छा जी ये भी हो सकता है कि एरे डॉट इंक्लूड्स करके कोई एक, यानी जैसे यहाँ पे कार बस काओ कुछ लिखा होता तो मैं कहता कि यार एरे डॉट इंक्लूड बस, तो बस होता तो ट्रू देता, नहीं होता तो फॉल्स देता। ठीक है, नंबर या स्ट्रिंग जो भी, तो ये हमने दूसरे एरे में होगी उसके लिए, हाँ, जितना 200 300 जितने भी इंडेक्सेस हों तो उसमें वो डॉट इंक्लूड्स, देखिए वो तो मुझे दिख रहा है ना कि क्या है, मुझे तो नज़र आ रहा है, मैं तो देख के अंदाज़ा लगा रहा हूँ, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को देख के नहीं पता लगता, वो तो किसी मेथड के जरिए उसको ट्रू फॉल्स मिलेगा ना। ठीक है, अभी हमने ये, हाँ डॉट लेंथ उसमें ये आ रहा था, यहाँ पे एक डॉट लेंथ भी यहाँ पे आ रहा था ना, जो एरे की जो डॉट लेंथ है ना, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आता हूँ, जैसे मैंने कॉन्सोल डॉट लॉग पे ये माई माई नंबर्स को प्रिंट किया ना, मैं इसी के साथ क्या करूँगा, माई नंबर्स डॉट लेंथ करूँगा जब, तो ये एरे की जो भी लेंथ है करंट इस वक्त, मिसाल के तौर पे इसकी लेंथ है 1 2 3 4 5 इसकी लेंथ है, तो ये लेंथ में मुझे 5 रिटर्न कर देगा। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे आगे इसको। ठीक है, देखो लेंथ में इसने 5 रिटर्न किया, लाइन नंबर 32 से 5 लिखा हुआ है, लाइन नंबर 32 से ये 5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो कुछ मेथड्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, जिसमें से कौन सा बताया मैंने, पुश बताया, पॉप बताया और लेंथ बता दिया, 3 मैंने करके दिखा दिया है, बाकी 2 4 मैंने आपको आपको दिखा दिया खोल के, आप उस सबको खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, लेकिन अगर किसी को इतना भी आ गया है जितना मैंने क्लास में बताया है तो फिलहाल के लिए इतना इनफ है। ठीक है, आप चाहें तो उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, आपको पता लगता जाएगा कि अच्छा ये चीज़ें हो जाती हैं, ताकि जब आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ना तो आपको पता होगा कि ये मौजूद है। सही है, चल यार तो ये कोड मैं पुश कर देता हूँ फौरी तौर पर, वीडियो आपको इंशाल्लाह जो है ना वो मे बी इस वीक की भी ना मिल सके। सही है, क्योंकि थोड़ा सा मैं बिजी चल रहा हूँ आजकल। ठीक है जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज हम क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। लास्ट वैल्यू मैंने आपको बताया ना, लास्ट वैल्यू चाहिए, हाँ तो आपको लेंथ तो पता है ना, डॉट लेंथ तो आपको पता है, तो लेंथ -1 पे आपको लास्ट वैल्यू मिल जाएगी। आप क्या करेंगे, लेंथ को एक वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे अलग से और वो उसको -1 करके आप चेक करेंगे तो। हाँ ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, अगर मैं ये डबल कॉमा नहीं लगाऊंगा तो ये समझेगा कि कार नाम का कोई वेरिएबल है जो कि है नहीं, तो ये एरर देगा। सही है, कार नाम का कोई वेरिएबल मौजूद नहीं है, तो मुझे ये डबल कोटेशन लगा के इसको बताना पड़ेगा कि ये मैं क्या लिख रहा हूँ, स्ट्रिंग लिटरल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, स्ट्रिंग लिटरल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये मैंने बताना पड़ेगा मुझे। ठीक है, इसी तरीके से ये मैंने जो लिखा हुआ है 5 और 6 और 12, ये मैंने क्या लिखा हुआ है, नंबर लिटरल लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, इसी तरह ये मैंने बूलियन लिटरल लिखा हुआ है, जो ट्रू मैंने हाथ से लिखा है ना, ये मैंने बूलियन लिटरल लिखा है। कोई चीज़ अगर वेरिएबल में होती है तो उसको वेरिएबल कहते हैं, वेरिएबल में नहीं होती है तो उसको लिटरल कहते हैं। जैसे अगर यहाँ पे कार की जगह पे ना कोई वेरिएबल होता जिसके अंदर कार स्टोर होता स्ट्रिंग में, तो हम दैट वुड कॉल्ड स्ट्रिंग वेरिएबल। अभी जो ये लिखा हुआ है इसको कहेंगे हम स्ट्रिंग लिटरल। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ इस वक्त यहाँ पे लिटरल वैल्यूज़ हैं, इसमें कोई भी एक इनमें से कोई भी वेरिएबल नहीं, वेरिएबल भी आ सकता है यहाँ पे, बाय द वे वेरिएबल भी आ सकता है यहाँ पे। ठीक है जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास का कोई असाइनमेंट नहीं है आपका, जो असाइनमेंट आपका वही है लास्ट वाला कन्वर्टर वाला, तो जिन लोगों ने बना लिया था बहुत अच्छी बात है, वो कोशिश करें कि कुछ और कन्वर्टर आप खुद से सोचें और उसमें ऐड कर दें, जिन्होंने उसको कंप्लीट नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है मेरी कि वो कोशिश करें उसको कंप्लीट करने की। ठीक है जी, 3 4 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, मतलब एक नया जो फाउंड है 3 4 वैल्यूज़ हम मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, वो हमने सीखा ना इनपुट आउटपुट लेना लास्ट क्लास में, तो जितने भी इनपुट्स लेने हैं वो सारे लाइन से इनपुट ले लें, उनको जो भी ऑपरेशन करना है प्लस करना है माइनस करना है वो आप कर लो, दैट्स इट।
लास्ट में तो मैंने जो क्लास में करके दिखाया था कि दो वैल्यू लेके उसको प्लस करना और माइनस करना सिखाया था, तो आप दो की जगह तीन ले लें, चार ले लें, दस वैल्यूज ले लें, कोई मसला नहीं है। हाँ हाँ, तो उसमें वो तीन तीन वैल्यू इनपुट है उसके अंदर, तो तीनों लेके और जो भी ऑपरेशन है वो कर दें, कहीं स्टक हो जाए तो मुझसे पूछ लीजिए। हाँ, तो जिससे डिवाइड करना है वो भी तो आप इनपुट लेंगे या फिक्स है? वो फिक्स है, तो वेरिएबल फिक्स अंदर बना दें आप, एक अंदर वेरिएबल फिक्स बना दें उसके लिए। जितना आपसे हो रहा है उतना तो करें, फिर जहाँ पे स्टक होंगे वो आप पूछ लीजिएगा ग्रुप में, मुझे मेंशन करके, तो मैं जवाब दे दूंगा। इंशाल्लाह ठीक है, चलें।